यदि आप भी श्रेयस अय्यर को एक तूफानी बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रेयस अय्यर जिस तरीके से श्रीलंकाई गेंदबाजों की धजियां उड़ा रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उनको ये टीम खासा पसंद आ गई है, क्योंकि T20 मुकाबलों में तो वो उनके गेंदबाजों से आउट ही नहीं हो पाए। वहीं टेस्ट में भी उन्होंने अपने बल्ले के धमक से पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मचाई हुई है। वहीं उनकी खतरनाक बल्लेबाजी पर अपने एक इंटरव्यू में सुहाना खान ने उनको लेकर जो बातें कही हैं, उसे सुनकर इस समय पूरे देश में केवल उनके बयान की ही चर्चा हो रही है। आखिर ऐसा क्या कह दिया शाहरुख खान की बेटी ने, वो सब हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन सीनियर बल्लेबाजों के आउट हो जाने के बाद जिस तरीके से ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने भारतीय टीम को न सिर्फ मुश्किलों से निकाला बल्कि अपनी आग उगलती हुई बल्लेबाजी से श्रीलंकाई गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी। आपको बता दें कि महज 28 गेंदों में ही 50 रन बनाकर ऋषभ पंत ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। वहीं श्रेयस अय्यर ने दोनों ही पारियों में अर्धशतक लगाकर ये बता दिया कि वो अजिंक्य रहाणे की जगह सालों तक भारतीय टीम की सेवा कर सकते हैं। वहीं उनके इस दमदार बल्लेबाजी के बाद शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने उनको लेकर जो बात कही है उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुहाना खान ने श्रेयस अय्यर के ऊपर एक बयान देते हुए कहा कि जिस तरीके से आज श्रेयस ने बल्लेबाजी की है वो सच में लाजवाब था। मुझे क्रिकेट के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से आज गेंद घूम रही थी उन्होंने क्रिज पर टिक कर ये सब दिखाया है कि वो किसी भी सिचुएशन में खतरनाक बल्लेबाजी कर सकते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने मैदान के बाहर छक्का लगाया सच में वो अद्भुत था। वहीं दोस्तों, जब उनसे एक पत्रकार ने ये पूछा कि वो किसी क्रिकेटर से शादी करेंगे तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए ये कहा कि अभी तो मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा है, लेकिन यदि विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जैसे स्टाइलिश बल्लेबाज के साथ मैं जरूर ऐसा कुछ सोच सकती हूँ, लेकिन अभी इन सब चीजों से मैं दूर रहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी कि जिस तरीके से सुहाना खान ने श्रेयस अय्यर का नाम लिया है, हो सकता है कि आने वाले समय में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की तरह ये दोनों स्टार भी शादी कर लें, क्योंकि श्रेयस अय्यर भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे स्टाइलिश क्रिकेटरों में से एक माने जाते हैं। वो क्रिकेट के साथ साथ एक्टिंग में भी हाथ आजमाया करते हैं। आपको बता दें कि IPL के एक सीजन में उन्होंने मार्कस स्टोनिस की नकल की थी, जो कि देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। वैसे दोस्तों, आप श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।